हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरोज द एप्रन गर्ल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कुल्फ़ी की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मावा मलाई केक कट कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही डिफरेंट और न्यू रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में मिलते सामान से आसानी से बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 लीटर दूध। ये फुल फैट दूध है। आधा लीटर मैंने पहले डाला था और आधा लीटर ये है, और इसमें से लगभग आधा कप दूध मैंने बचा लिया है। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए एक बॉयल आने तक हम हाई फ्लेम पे ही इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ गया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम, और लो टू मीडियम पर हम लगातार चलाते हुए इस तरह से, और तब हम दूध को गाढ़ा करेंगे। अब जब तक दूध हमारा पक रहा है तब तक हम एक घोल बनाकर रेडी करेंगे। तो जो आधा कप दूध मैंने बचाया था वो मैं एक कटोरी में डाल रही हूँ, और अब इसमें डाला है 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और अब इसे एकदम अच्छे से दूध में हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। आप कॉर्नफ्लावर की जगह पे कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। और अब ये एकदम अच्छे से दूध में मिक्स हो गया है, और इधर दूध भी बिल्कुल अच्छे से पक रहा है। इसको हम एक बार चला देंगे। तो दूध को इस तरह से चलाना ज़रूरी है, नहीं तो ये लग सकता है। एक साइड हमने दूध को पकने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे लिया है एक नॉन स्टिक पैन, और इसमें हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पानी, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और लो फ्लेम पे हमें चीनी को कैरमलाइज करना। अब आप देख सकते हैं साइड्स में चीनी मेल्ट होने लग गई है। अब इसको इसी तरह से हमें मेल्ट करना है, और अब इसको लो फ्लेम पे इस तरह से चम्मच से चलाते हुए मेल्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट शुगर का यूज किया है। आप चाहे तो ब्राउन शुगर ले सकते हैं, और उसको सीधे ही आप दूध में डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से चीनी को कैरमलाइज करके जब हम इससे कुल्फी बनाते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अब आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। ये मेल्ट होकर के कैरमलाइज हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और आप इस कैरमलाइज की हुई चीनी को हम दूध में ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे 1/3 कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश मलाई, और अब दूध को एकदम अच्छे से पकाना है। जब दूध अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला घोल डाल, और कंटिन्यू आपको चलाते रहना है दूध को। मैं जो मलाई डाली है उससे इस कुल्फ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। एकदम सॉफ्ट मलाईदार कुल्फी बन करके तैयार होती है। मलाई की जगह पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते। अब दूध अच्छे से पक गया है और हल्का गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सर डालेंगे। तो उसको पहले अच्छे से हम मिक्स करेंगे चम्मच से, और फिर थोड़ा थोड़ा इसमें हम ये मिक्सर डालते जाएंगे, और इस तरह से इसको चलाते रहेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना बने। तो इस तरह से इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो जैसे जैसे कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सर डालेंगे दूध हमारा गाढ़ा होता जाएगा, तो इसलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं दूध अब गाढ़ा हो गया है, और बस इसे इसी तरह से चलाते हुए हम बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो फ्लेम इस टाइम लो है, और लो फ्लेम पे ही हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। और इसे कितना थिक रखना है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड जो चम्मच पे कोट हो रहा है बैटर हमारा, इस तरह का होना चाहिए। और मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। अब ये बैटर एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम मावा मलाई केक कट कुल्फी बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले मावा बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले पैन को ग्रीस कर रही हूँ। 1 टीस्पून घी लिया है मैंने, और पैन को मैंने अब ग्रीस कर दिया है घी से। और ये मैंने लिया है 1 कप मावा। ये होममेड इंस्टेंट मावा है। आप मेरे चैनल पर इंस्टेंट मावा की रेसिपी देख सकते हैं। वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। यहाँ पे मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है,
और इसमें हम अब मावा को थोड़ा सा हमें भूनना है। फ्लेम को रखेंगे लो और लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। मावा को अब मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है और अब ये एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक हैंड ब्लेंडर लिया है, आप चाहे इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर भी ले सकते हैं और इसको एकदम स्मूथ बना लेंगे हम। ये देखिए मिक्सचर एकदम स्मूथ बन गया है। अब आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने फ्लेवर के लिए यहाँ पे डाला है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं और अब जो ये मिक्सचर है ये एकदम तैयार है और ठंडा हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम केक टिन में डाल देते हैं और अब इसको फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। अब इसको सेट होने के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे और इसे सेट होने के लिए 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, या आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए डीप फ्रीज कर सकते हैं। फिर हमारी सेट होकर के तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो गई है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पानी में रख देंगे ताकि ये ईजिली निकल पाए, तो इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए नॉर्मल पानी में रख देंगे। एक प्लेट लिए हैं और उस प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मावा मलाई केक कट कुल्फी बनकर के एकदम तैयार है और इसे अब हम केक की तरह ही कट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट और कितनी मज़ेदार लग रही है हमारी कुल्फी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ के लिए। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।